राम राम भाई, सारे भाइया नाम आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। तो आपा भाई अपने गांव के बुजुर्ग खड़े हैं, दादाजी हैं, इन तापा बात करांगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। राम राम दादाजी। राम राम भाई राम। ठीक हो जी? हाँ ठीक भाई। क्या नाम है जी अपना? धर्मपाल। तो दादाजी, जैसे अपना गाँव में एक भाई फौजी शहीद हुआ है, तो यो पहला जैसे ईशा शहीद हुआ है? भाई हमने सुनी तो कौन ही, और जब भाई होड़ा हो तो के बता सका। हाँ गांव बड्डा है, हाँ हमने तो छोर की सुनी थी, जो गुजरिया है एक टाइम मारा दुनिया वाला की ताऊ रही देख इसकी तो भाई के कह सका छोरा यो कै साल का था यो बताओ, कश्मीर में बताओ नहीं। और यो गुजरिया है इसकी सुनी से हमने तो जाके आऊँ मैं भी। तो अपनी कितनी उम्र होगी? 70-75 साल की है। अच्छा, इससे पहले तो कोई नहीं सुनिया? ना कोई नहीं सुनिया मैंने। बात करिए अपन है तो इससे पहले हम 70-72 की जैसे उम्र बता रहे हैं, इससे पहले हम तो नहीं सुनी। और भी अपने गांव में है तो इन तभी आप जैसे बात कर लेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, हम आए हैं हमारे गांव के एक्स DSP दरियाव सिंह, तो इनसे भी हम बात करेंगे अभी जो हमारे भाई फौजी शहीद हुआ है उसके बारे में। तो आ जाओ। राम राम सर। राम राम। ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक जी। तो जी अपने गांव में एक भाई फौजी शहीद हुआ है, तो इससे पहले भी जैसे हुआ है कोई अपना फौजी? मेरी जानकारी में पहले कोई शहीद नहीं हुआ फौजी। जी जी। आपकी कितनी उम्र होगी जी? मेरी 83 जी। तो इस अब तक आपने अपने गांव दिनोद में इसी कोई घटना सुनी है जो भाई जैसे फौजी शहीद हुआ हो? नहीं नहीं, कोई घटना नहीं सुनी, कोई फौजी शहीद नहीं हुआ जी। कोई फौजी शहीद नहीं हुआ। तो और भी अपने गांव में जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, उन तक भी आप बात कर लेंगे और पूछताछ करांगे, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। बलवीर पा कले कप्तान पा। अच्छा जी। तो दोस्तों, हम आए हैं भाई परमजीत सामोता के घर पे, तो हम यहाँ पे अंकल जी बैठे हैं जो कि परमजीत सामोता जी के पापा जी हैं, रिटायर फौजी हैं प्रदीप सामोता जी। तो उनसे भी हम इस बारे में जो भाई शहीद हुआ है अपने गांव में, तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि इससे पहले भी कोई फौजी अपने गांव में शहीद हुआ है या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ में। राम राम चाचा। राम राम भाई। राम राम सर। दर्शकों मेरे राम राम। तो चाचा जी, अपने गांव में एक भाई फौजी शहीद हुआ है, इससे पहले भी अपने गांव में कोई फौजी शहीद हुआ है जी? देखो मेरी जानकारी नहीं है, मेरा परिवार के नहीं बल्कि मेरे गांव के 70% फौजी जो मेरे बाप की पीढ़ी के थे, 70% आदमी फौजी थे। आज तक बाबा धोनीवाड़े की दया से मतलब किसी को कोई आँच भी नहीं आई थी। ये पहला मौका है जो हमारे गांव का, अब मैं गांव का नहीं कहूँगा, हमारे देश का लड़का जो है पवन कुमार है शहीद हुआ है। देखो हमें बड़ा दुख है और उस परिवार को तो बस संभलने की शायद कम ही उम्मीद है, क्योंकि एक नौजवान बेटा अगर खुद शहीद हो जाता है तो हमारे लिए तो गर्व की बात है, लेकिन माँ बाप के लिए ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं उनके माँ बाप को इतनी उम्मीद करता हूँ कि वह अपने बच्चों को, बचे हुए बच्चों को संभालें और अपने परिवार का साथ दें। तो दोस्तों, आपने सुना कि इससे पहले गांव दिनोद में कोई भी फौजी शहीद नहीं हुआ है, ये भाई जो पवन कुमार है ये दिनोद गांव में जो कि है शहीद का दर्जा मिला है भाई को। तो और भी हम गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हम बात करवाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। आ जाओ। राम राम चाचा जी। राम राम भाई। ठीक हो जी? ठीक है जी। तो अंकल जी, जैसे अपने गांव में एक भाई फौजी शहीद हुआ है, तो इससे पहले भी कोई फौजी शहीद हुआ है जी? ना जी, इससे पहले कोई नहीं हुआ गांव में, पहली बार ही हुआ जी। पहली बार? हाँ जी, हाँ और गांव में पहली बार ही हुआ। अच्छा जी। अपना नाम क्या है जी? सही पाल। कितनी उम्र होगी जी अपनी? 51 साल होगी। तो आपने नहीं सुनी है इस बार? ना इतना ही नहीं सुनी है, नहीं बोल रहे बता कर देखो नहीं हुआ है। हाँ तो बाबा दुनियाड़े की दया था जिस तरह पहली को नहीं, या पहला नहीं हो जाए बाबा दुनियाड़े, इतनी मेहर थी पहली बार सोच बैठे। बहुत बढ़िया हमारा बाबा है इसलिए बहुत बढ़िया मतलब बढ़े। बने रहिए मेरे साथ में और भी हम बात करवाएंगे। तो दोस्तों, हम आए हैं जो पुरानी गौशाला है, यहाँ पे कुछ हमारे गांव के बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो इन तभी हम बात करेंगे भाई पवन के बारे में जो भाई शहीद हुआ है। तो चलो मेरे साथ में बने रही हो।
राम राम सर। राम राम भाई। राम राम। राम राम सर। राम राम भाई। ठीक हो जी? ठीक सा भाई। अच्छा तो अगन आ जाओ भाई। मैं बैठ जाऊँ। तो अंकल जी, जैसे कि अपने गांव में एक भाई फौजी शहीद हुआ है, तो आपने इससे पहले भी सुनी है भाई कोई फौजी शहीद हुआ अपने गांव में? कौन हुआ? कौन हुआ? कौन हुआ? छलू हुआ था ना? कौन आज जब मैं हुआ था मेरे उल्टे काम थे तो पहले काम भी कौन है भाई सिर में यो हुआ थे आई तो यो आपका क्या करना जी भाई? मारी याद में तो हमने तो यो पहला काम यो ही देखा भाई। हां हम ही हो लिए भाई। हाँ जी हमने सुना कौन था काम सही तो है आयो है। आपकी उम्र कितनी होगी जी? मेरी होगी भाई 62 साल। क्या नाम है जी अपना? प्रकाश। तो आपने इससे पहले हम नहीं सुनी? मन्ना नहीं सुनी भाई जी। हाँ राम राम। राम राम। ठीक हो जी? ठीक सा। क्या नाम है जी अपना? बलजीत। तो आपने इससे पहले हम सुनी भाई अपने गांव में कोई फौजी शहीद? कौन सुनी? कौन सुनी? हाँ तो दोस्तों आपने देखा हमारे जो गांव के बुजुर्ग हैं इनने भी बताई भाई गांव में इससे पहले में कोई भी फौजी शहीद नहीं हुआ है। तो हमारी उम्र में तो आ कौन भाई पहली हो लिया हो तो हमने बेरा कौन हम सामने पहली। अच्छा जी। हाँ तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए बनी रहिए मेरे साथ में, और भी अपने गांव में बड़े बुजुर्ग हूँ तो बात करवाएंगे। ठीक है जी। धन्यवाद। ठीक है भाई। ठीक है। हाँ धन्यवाद। ठीक। राम राम जी। राम। हाँ। ठीक हो जी? हाँ। राम राम जी। राम राम भाई साहब। ठीक हो जी? ठीक है भाई। राम राम जी। हाँ राम राम भाई। ठीक हो जी? हाँ ठीक। तो जी अपने जैसे कि गांव में एक भाई है फौजी शहीद हुआ है, तो मैं यही पूछ रहा हूँ भाई इससे पहले भी कोई फौजी शहीद हुआ है अपने गांव में? ना ये छल्लू राम होया था इसे पुराना टाइम नहीं नहीं जो आपकी उम्र है जैसे इस उम्र में आज तक जैसे ना फौजी भाई शहीद हुआ है तो इतनी आपने सुना है भाई पहले भी कोई फौजी शहीद हुआ है? हमारा एक पड़ोसी है कमल नाम से काका दलीप का, वो शहीद हुआ है कोई? हाँ दो तीन साल की बात होगी। तो अंकल जी आपका क्या कहना है? मतलब कोई फौजी शहीद हुआ है? ना कौन हुआ? कमल सही वाड़ा है बस और कौन? और कौन बाद यही हाँ मतलब इसके भाई कमल के बाद यही हुआ है दोस्तों। आर्मड में था ये। हाँ जी। ये आर्मड में था ये जो कमल हुआ है ना जो आर्मड में था जी। हाँ वो शहीद हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से हमने नई जानकारी मिली है कि यहीं पे बता रहे हैं कमल फौजी जो कि शहीद हुए हैं। तो दोस्तों और भी हम हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करांगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। ठीक है जी। धन्यवाद। ओके थैंक यू। राम राम। तो राम। ठीक हो जी? ठीक। क्या नाम है जी अपना? दिलसुख। कितनी उम्र होगी जी अपनी? 75। अच्छा तो ताऊ जी जैसे कि अपने गांव में एक भाई फौजी शहीद हुआ है, तो इससे पहले भी आपकी याद में जिस तरह अपने गांव में दिनोद में कोई फौजी शहीद हुआ है? बाणजा। बाणजा जी? हाँ। किस तरह के एक बार बताइयो। बाणजा वैसे उसे ये गोजनम में ले रखा था। अच्छा पूरा। अच्छा छोरी का छोरा था उसके दूसरा टब्बर कौन था उसकी नन्नी के। अच्छा पूरे रख लिया था। अच्छा उन्हीं था। अच्छा तो मतलब कई एक साल हो गए इस बात ने? साल तो घने हो गए भाई। आपकी याद में होया है कोई? वो रही हो। अच्छा अच्छा बस जिद आप बता रहे हो जो फौजी शहीद हुआ है जो बाणजा है, तो आपकी कितनी उम्र थी जिद? जिद मेरी उम्र होगी भाई 32 साल होगी। कितनी जी? 35 होगी बाद में। अच्छा अच्छा मतलब 30-35 साल बाद में। अच्छा अच्छा ठीक। दादी जी हैं माता जी हैं, तो इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि हमारे गांव में कोई पहले फौजी हो शहीद हुआ है या नहीं, तो बने रहिए मेरे साथ में। आ जाओ भाई। फौजी शहीद हुआ है तो आपने सुनी हो इससे पहले भी कोई फौजी शहीद हुआ है? हाँ वो हुआ था नहीं हुआ तो इनका। किनका? राउत पन्ना में। अच्छा हाँ। क्या नाम था जी उनका? नाम का तो इसका कौन के परमा का? हाँ मांडे के छोड़ इनका स्यामी। अच्छा अच्छा। हाँ कितनी उम्र होगी अपनी? मेरी तो 80-85 तो भी टपगी। अच्छा तो आपने सुनी है इससे पहले अपने गांव में जिस तरह कोई फौजी हो शहीद होया है? ना और तो कोई नहीं सुनी भाई मन ना। अच्छा अच्छा और कौन सुनी? और कौन सुनी? ये हाँ वो यो हो रहा जगमालाला फौज में था। यो फौज में था। हाँ फौज में था। फौज में था। हाँ कितने एक साल की बात होगी?
ये हो गए होंगे 20 साल के अलावा 20-25 साल हाँ इतने दिन हो गए। हाँ गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हैं तो इन तभी हम बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में, आ जाओ। ठीक हो जी? ठीक। राम राम। राम राम भाई। ठीक हो जी? हाँ ठीक भाई। क्या नाम है जी अपना? कृष्ण। अपना क्या नाम है जी? फरजवान। तो अंकल जी, जैसे हमारे गांव में एक भाई पवन है फौजी जो शहीद हुआ है, तो आपने जैसे कि इब्ती सुना है कि अपने गांव के लिए कोई फौजी जैसे शहीद होया हो? हाँ होया भाई। कौन है जी? सुरन सुंदर नाम था उसका। सुंदर। हाँ जी सुंदर नाम था भाई। अच्छा अच्छा। हाँ तो किस तरह के है थोड़ी बताइए जी। ये श्रीलंका में लड़ाई में रहा भाई। अच्छा अच्छा। हाँ आपकी कितनी उम्र होगी जी? मेरी 60 की हुई भाई। अच्छा तो आपकी जो 60 साल की उम्र होगी तो कब हुआ था जी, मतलब शहीद कब हुआ था? भाई राइडिये तो 40-42 साल हो गए भाई कम से कम। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब आपकी उम्र जित 21 साल होगी। हाँ हाँ वही कनी। ठीक है जी। ठीक है भाई। तो दोस्तों आपने सुना, एक और नई जानकारी मिली है हमें कि सुंदर नाम बताया, तो अगली वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ में, चलो। तो दोस्तों हमारे साथ में हैं भारत रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश कुमार जी, तो इनसे हम बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो जी? ठीक है जी। तो जगदीश जी, जैसे हमारे गांव में एक फौजी भाई अपन शहीद हुए हैं, तो इससे पहले भी दिनोद गांव के लिए जैसे कोई फौजी शहीद हुए? देखिए आज जो दुख की घड़ी है, मेरे हिसाब से इससे पहले इतनी बड़ी दुख की घड़ी आज से पहले हमारे गांव में नहीं आई जी। आज पूरा गांव दुख के बाद माहौल में है जी। पूरे गांव में आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि कोई भी आदमी के चेहरे पर दुख खुशी नहीं है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। और मैं इस घटना जो घटी है इसमें मैं भी दुखी हूँ और सारा गाँव दुखी है जी। और आपने जो पूछा कि इससे पहले कोई फौजी आपके गांव में शहीद हुआ है जी। तो देखिए मेरी नॉलेज में आज से पहले जो गांव का प्रॉपर बसिंदा वो कोई शहीद नहीं हुआ है। यहाँ हमारे एक अनजा था जो यहाँ रहता था, वो पढ़ाई पढ़ी उसने यहीं की थी और यहाँ पढ़ाई करने के बाद भर्ती हुआ था, तो उसका लगाव ज़्यादातर इसी गाँव से रहा था, तो वो शायद श्रीलंका में शहीद हुआ था जी। उससे अलग कोई शहीद नहीं हुआ था। आज ये जो पवन भाई शहीद हुआ है यही हुआ है जी। सर जैसे पवन भाई शहीद हुआ है तो उनके परिवार वालों को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है जी। बस भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये मेरे मालिक इस शहीद के परिवार को दुख की घड़ी में उन्हें सहन करने की शक्ति प्रदान करे जी। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद जी। जी थैंक यू। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो जी? ठीक है। राम राम। राम राम। ठीक हो जी? ठीक। राम राम। राम राम भाई। राम राम। राम राम जी। राम राम भाई। राम राम जी। राम भाई। राम। ठीक हो जी? हाँ ठीक है जी। ठीक है। तो जैसे कि जी आप सब ने बेराए हैं, हमारे गांव में एक भाई पवन है वो शहीद हुआ है फौज में, तो इससे पहले भी कोई फौजी शहीद हुआ है जी? नहीं भाई, सब कुछ अपना लड़ाई में तो नहीं है आप जी। हाँ जी ना, हमारे गांव में कोई फौजी लड़ाई में के उग्रवादियों को उसमें कभी भी नहीं मरिया जी। पहला शहीद हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी आपका क्या कहना जी? हमारे गांव में पहला यही हुआ है जी शहीद। इससे पहले कोई लड़ाई के दौरान कोई नहीं, बाबा की कृपा है हमारे गांव पर। क्या नाम है जी अपना? जगदीश। कितनी उम्र होगी जी? हमारी 68 साल उम्र है। मतलब आज तो 68 साल के हो गए आप? आपने नहीं सुनी पहले? आज यही सुना है इस लड़ाई के दौरान। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो जी? जमा ठीक भाई। क्या नाम है जी अपना? राम। हाँ जी, तो आपने इससे पहले कोई जिक्र सुना? कोई जिक्र को नहीं मारे गाँव में जी। हाँ राम राम। यह बात है। राम राम भाई। तो जी अपना क्या नाम है? मुंशी कह दिया भाई जी। कितनी उम्र होगी जी? मेरी 70 साल होगी। तो जी आपने सुना है अपने गांव में दिनोद में कि कोई फौजी पहले शहीद होया हो? भैया सुना है हमने और तो सुना जी। तो दोस्तों आपने सुना, हमारे जो गांव के बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया इससे पहले कोई भी फौजी शहीद नहीं हुए हैं जो गांव दिनोद में। तो ये हमारे जो पवन भाई हैं ये पहले ऐसे हैं जो गांव के लिए शहीद हुए हैं, और
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कैमरामैन सत्यवर के साथ में मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया, जय हिंद जय भारत।